आर्यन के जेल जाने के बाद शाहरुख ने बेटे इब्राहिम को लेकर लिया बड़ा फैसला। नहीं है घर इब्राहिम, जानिए क्यों। इन दिनों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद इब्राहिम को लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि इन दिनों शाहरुख के छोटे बेटे इब्राहिम कहां पर चले गए हैं। और शायद आपका भी यही सवाल होगा। खबरों में मिली जानकारी के अनुसार ये जानने को मिला है कि आर्यन खान की बेल रिजेक्ट होने से पहले ही शाहरुख खान के छोटे बेटे इब्राहिम को सलमान खान की बहन अलवीरा खान के साथ मन्नत छोड़ते हुए देखा गया है। अब इब्राहिम अपना घर मन्नत छोड़कर कहां गए हैं और क्यों गए हैं, आइए जानते हैं इस न्यूज में। 3 अक्टूबर को जब ये खबर मिली कि आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है तो सलमान खान शाहरुख के घर जाते हुए देखे गए। और आप सब जानते ही होंगे कि सलमान और शाहरुख खान एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं और वो हर मुश्किल के वक्त में एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी दौरान जानने को मिला कि शाहरुख को हिम्मत और हौसला देते हुए सलमान ने शाहरुख को एक एडवाइस दिया है। सलमान ने कहा कि इब्राहिम को उनके घर भेज दिया जाए क्योंकि इब्राहिम अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें इन सब बातों की समझ नहीं है। दूसरा, सलमान खान ये भी जानते थे कि आर्यन खान की इस गिरफ्तारी के बाद शाहरुख के घर मन्नत रेड पड़ सकती है और अगर एनसीबी मन्नत में रेड करती है तो इब्राहिम का घर में रहना ठीक नहीं है। और खबरों में ये भी जानने को मिला है कि एनसीबी शाहरुख के घर मन्नत में रेड डालने की प्लानिंग कर रही है और अभी इब्राहिम छोटे हैं और घर में अगर रेड होती है तो घर में ऐसा माहौल देखकर उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। और इसी कारण सलमान खान के कहने पर शाहरुख खान ने अपने लाडले और प्यारे छोटे से बच्चे इब्राहिम को सलमान के घर भेज दिया। सलमान खान की बहन अलवीरा खान को मन्नत जाते हुए देखा गया और वापसी के दौरान शाहरुख के बेटे इब्राहिम को भी उनके साथ जाते हुए देखा गया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है शाहरुख के छोटे बेटे इब्राहिम को लेकर, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।